तो फैमिली कैसे हो आप लोग, आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो, मेरी ब्लॉग कैसे लगती है बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो कुछ भी हो प्लीज़ बिलो कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और डीजा से हेलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो, कहाँ हो, रेडी हो कि कहाँ जा रही हो? अरे ये देखो इनका शूज अपना दिखा रही है, क्या दिखा रही हो? ड्रेस दिखा रही है, येलो और जीन्स सब पहनी। कहाँ जा रही है आप? तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने मायके, और मायके जाने की खुशी कुछ अलग लेवल की होती है। और मैं हूँ किचन में बना रही थी मटर की पूड़ी, तो दिखाते हैं आपको और पैक करते हैं निकलते हैं। पूरा ट्रैवलिंग ब्लॉग, आज का ट्रैवल ब्लॉग आपको दिखेगा पूरा वहाँ तक जब तक मैं पहुँच नहीं। तो मैंने बना ली हुई थी मटर और आलू की पूड़ी, क्योंकि मुझे ना ट्रैवलिंग में बहुत कुछ खाने का मन नहीं होता है, ऐसे वॉमिटिंग आती है। और खाना है डीजा को, उनके पापा को भी शाम तक वापस ये आ जाएंगे हम लोग को छोड़ के। हम लोग की ट्रेन है 4 बजे की, और यहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है ना हम लोगों को, यहाँ से मेन जगह से आपको बनारस के लिए कोई ट्रेन ही नहीं मिलती है। तो सतना हम लोग जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। मेरी मटर की पूड़ी रेडी और निकलने वाले हैं, एंड लगेज वगैरह चला गया गाड़ी में। उसकी चाबी कहाँ है? सबरी नहीं गुनी, कहाँ जा रही हो? है कहाँ जा रही हो? अरे इधर देखो, अरे देखो, मैं आ गई थी अपने मायके, एंड अर्ली मॉर्निंग का है। मेरी फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ जाना था। फाइनली मैं आ गई अपने घर। मम्मी से हेलो, हेलो हेलो, कैमरा साइड, कैमरा साइड, कैमरा साइड पर्सन है। और यहाँ का ब्लॉग आपको पूरा देखने को मिलेगा। एंड आज है, मैं आई हूँ अपने फ्रेंड की शादी में, आज उनकी हल्दी है। तो शाम को हम लोग, मतलब हल्दी का भी ब्लॉग इसी में जाएगा, और इसके बाद शादी वाला और मेहंदी वाला ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी। कल से न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, आज हल्दी तक का दिखा के बस। और अभी हो रहा है दोपहर का, 2 बज रहा है, और मैं जस्ट रेडी हुई हूँ। ये मेरी मम्मी हैं, अरे मम्मी और चाची लोग हैं, ये लोग भी रेडी थे हल्दी के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों का भी क्लिप इसमें ऐड होने जा रही है हल्दी, और मैंने कुछ नहीं करा है, पर उसी तरह हैं, चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और लोग कुछ छोड़ के आते हैं, घर की दुल्हनें जाएंगी साथ में। होने लगी थी उनकी हल्दी, और बहुत मतलब ऐसा कुछ मैंने जो स्पेशल वाला होता है वो नहीं बना पाया वीडियो, खाली इनकी शादी का थोड़ा बहुत क्लिप ऐड करा है ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। इसके बाद कोई भी ब्लॉग मैंने गांव में नहीं शूट किया। एंड कितनी क्यूट सी लग रही थी, इसका ड्रेस वगैरह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी थी। और यहाँ पर मैं मेहंदी के लिए तैयार हो गई, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप है जो कि मैं दिखाऊँगी आपको। इनकी मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी थी, दूल्हा दुल्हन वाली जो बने रहते हैं वो, और ये भैया ने बहुत ही अच्छी। एंड इसके बाद इवनिंग में सब लोग साथ बैठ के ऐसे सब लोगों ने खाना खाया, बट मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं सूट कर रही थी, और मैंने खाया भी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया खराब। ये दुल्हन है, और होने लगा यहाँ डांस और मस्ती, और मतलब ना ऐसा नहीं था बहुत
बहुत ही अच्छा सब कुछ था, बहुत ही अच्छे से डांस वगैरह सब कुछ हो गया इसका, मतलब इसकी शादी बहुत ही अच्छे से तरीके से निपट गई, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात थी। एंड और आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं पहले वो दिखा देती हूँ फिर ब्लॉग दिखाते रहूँगी, और शादी का पूरा आई होप कि सब कुछ दिखा पाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं अपनी ड्रेस दिखा दूँ, ड्रेस है मेरी, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपने वाली हूँ मैं। ये है सिल्क की पोटली, ये है ब्लैक सिल्क की साड़ी मेरी, एंड ये ब्लाउज। बहुत कुछ नहीं करना है मुझे, एकदम प्लेन ही सब कुछ रखना है क्योंकि ठंडियाँ भी बहुत है, तो उस हिसाब से मैं रेडी। एंड गांव में इतनी ठंड थी कि पूछिए मत। ये मेरी दादी है, आपको पता है इनकी तबीयत ख़राब है, देख रही हैं कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, मेरी मम्मी खा रहे हैं लोग, और ये बुआ है, और भाभी का पूरा रूम हम लोगों ने बिखेर दिया है। ये चाचा की लड़की है, और यहाँ पे उनका उनकी साड़ियाँ निकाल निकाल के हम लोग देख रहे थे। ये इनकी साड़ी है मेरी भाभी की, ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, मिंट ग्रीन। और एक बार उन्होंने पहनी थी, उनके ऊपर भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी उन्हीं की साड़ी है, ये उन्होंने अपनी पहली तीज पे पहनी हुई थी रेड कलर के, और ये उनका सैंडल कलेक्शन था। टोनी का है छिप रहे हो पे रेडी। शादी में जाएं और पानी पूरी ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब लेडीज़ों का सबसे पहला वो रहता है कि कहाँ दिखे भाई पानी पूरी कहाँ है, खाने का मतलब ऐसे नाश्ता वगैरह खाना। तो मैंने बहुत एंजॉय किया ये वाली शादी, और दुल्हन आने लगी थी तो उसका भी मैं क्लिप मैंने मतलब ऐसे, इसके बाद जमाल के बाद मैं चली गई थी क्योंकि डीजा बहुत ज़्यादा रो रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। आई होप कि इनकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो इनके साथ। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, आप देख सकते हैं साड़ी मैंने निकाल दी, क्यों निकाल दी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस शेयर करूँगी। और ये हो रहा है जमाल। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मिलते हैं आपसे।